हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में ऑपरेशन मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। आज हमें स्टडी नोट नंबर 2 जो है, स्टडी नोट नंबर 2 का नाम है ऑपरेशंस प्लानिंग। स्टडी नोट नंबर 2 जो है वो है ऑपरेशंस प्लानिंग। ये जो सेकंड स्टडी नोट है ऑपरेशंस प्लानिंग, इसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं, तो हम उन टॉपिक को थोड़ा सा डिवाइड कर करके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले टॉपिक में, सबसे पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक दैट इज डिमांड फॉरकास्टिंग। देखो, ऑपरेशन प्लानिंग, ऑपरेशन वर्ड का हमने लास्ट क्लास में मीनिंग देखा था कि ऑपरेशन का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होता है, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का मीनिंग हमने कहा मैनेजमेंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो ऑपरेशन का मतलब कहीं ना कहीं गुड्स और सर्विसेज। अब हमें यहां पे ऑपरेशंस की प्लानिंग करनी है। ऑपरेशन प्लानिंग का मतलब मैं जो गुड्स मार्केट में बेचता हूं या जो मैं सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड करता हूं, उससे रिलेटेड प्लानिंग। और उस प्लानिंग के सीक्वेंस में सबसे पहला पार्ट जो है वो है डिमांड फॉरकास्टिंग। मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं जो गुड्स मार्केट में बनाकर बेचता हूं वो आने वाले फ्यूचर टाइम में कितना बिक सकता है। डिमांड का मतलब मार्केट में सेल कितनी कर सकता हूं, फॉरकास्टिंग का मतलब एस्टीमेशन करना। तो एक तरीके से एस्टीमेशन ऑफ डिमांड, एस्टीमेशन ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड इन द मार्केट, दिस इज द डिमांड फॉरकास्टिंग। सर, ये जो डिमांड फॉरकास्टिंग का पार्ट है, इसमें हमें टोटेलिटी में कितने टॉपिक्स देखने पड़ेंगे। हमें इसमें मेनली 5 छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। फर्स्ट होगा फॉरकास्टिंग का एक इंट्रोडक्शन, जिसमें सिंपली हम देखेंगे फॉरकास्टिंग का मतलब एस्टीमेशन फॉर द फ्यूचर पीरियड। देन हम देखेंगे फॉरकास्टिंग जब की जाती है उसमें क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। देन हम देखेंगे फॉरकास्टिंग के मेथड्स। देन हम देखेंगे फॉरकास्टिंग मेथड्स, काफी सारी आप देखोगे, 7 मेथड्स टोटेलिटी में देखोगे, जिसमें से हम ये देखेंगे अगर मुझे उनमें से पता करना हो कि मेरे केस में कौन सा फॉरकास्टिंग मेथड अच्छा होगा, तो व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ ए गुड फॉरकास्टिंग मेथड। और फाइनली हमें कुछ डिमांड फॉरकास्टिंग पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करने। तो ये जो टॉपिक है, इसमें से आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है और थ्योरी भी देखने को मिल सकता है। मेन मैं कहूंगा ये चैप्टर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का मेरा मतलब पार्ट 1 डिमांड फॉरकास्टिंग की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक अगर देखें फॉरकास्टिंग का इंट्रोडक्शन, एज फ्यूचर इज अननोन एंड इज Anybody's guess, but the business leaders in the past have evolved certain systematic and scientific methods to know the future by scientific analysis based on facts and possible consequences. देखो, सिंपल सी बात है, फ्यूचर अननोन है, हर कोई केवल गैस कर सकता है, लेकिन काफी सारे ऑथर्स हुए, साइंटिस्ट हुए, तो कुछ उन्होंने सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मेथड्स बनाई जिसके बेसिस पे शायद हम फ्यूचर को थोड़ा एस्टिमेट कर सकते हैं, थोड़ा एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट कर सकते हैं। इन दिस वे फॉरकास्टिंग ऑफ सेल्स, डिमांड फॉरकास्टिंग की बात हम कर रहे हैं तो हम बात करें सेल्स फॉरकास्टिंग की। फॉरकास्टिंग ऑफ सेल्स रेफर्स टू एन एक्ट ऑफ मेकिंग प्रेडिक्शन। फॉरकास्टिंग क्या है? प्रेडिक्ट करना पहले से अबाउट फ्यूचर सेल्स कि फ्यूचर में कितना माल बिक पाएगा, फॉलोड बाय ए डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू फ्यूचर सिचुएशंस एंड फोर्सेस विच मे अफेक्ट द बिजनेस एज ए होल। तो हम डिमांड फॉरकास्टिंग में सेल को फॉरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉरकास्टिंग का मतलब है प्रेडिक्शन, किस चीज का प्रेडिक्शन, डिमांड का, डिमांड का मतलब सेल्स। फोरसाइट, आगे को देखना,
फ्यूचर को देखना, दैट इज नॉन एज फोरसाइट। फोरसाइट इज नॉट द होल ऑफ मैनेजमेंट। फोरसाइट जो है वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट नहीं है, मतलब फ्यूचर को मैं मैनेज नहीं कर सकता, हाँ उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग ले सकता हूं, बट एटलीस्ट इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। हालांकि मैं कहूं मैनेजमेंट का काम केवल और केवल फोरकास्टिंग करना है या फोरसाइटनेस है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी कोई पंडित वगैरह तो है नहीं कि हाथ देखकर आपको आपका भविष्य बताने वाले हैं। नहीं, मैनेजमेंट का काम है मैनेज करना, फ्यूचर में जो भी सिचुएशंस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको मैनेज करके अपने डिमांड को फोरकास्ट करने की कोशिश करना। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट का एक एसेंशियल पार्ट है जिसमें फोरकास्टिंग कवर किया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली टू फोरसी इन दिस कॉन्टेक्स्ट मींस बोथ टू असेस द फ्यूचर एंड मेक प्रोविजंस फॉर इट। फिर भी मैनेजमेंट का काम है कि वो फ्यूचर को असेस करे, गेस करने की कोशिश करे कि पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड हो सकती है और उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोविजंस बना के चल। तो सिंपल फॉरकास्टिंग में अगर मैं बात करूं तो फॉरकास्टिंग में आप फिलहाल ये कह सकते हो फॉरकास्टिंग का मतलब प्रेडिक्शन है, डिमांड का मतलब सेल्स है, तो सेल्स का प्रेडिक्शन करना बाय द मैनेजमेंट बाय यूजिंग सम सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मेथड्स, दिस इज द डिमांड फॉरकास्टिंग। सेल्स फॉरकास्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन द बिजनेस बिकॉज ऑल अदर एक्टिविटीज डिपेंड अपॉन द सेल्स ऑफ द कंसर्न। देखो आप ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ रहे हो जो कि सेकेंड ग्रुप का सब्जेक्ट है, तो आई थिंक आपने कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रुप में कॉस्ट अकाउंटिंग में एक चैप्टर पढ़ा होगा, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। नहीं भी पढ़ा हो तो कोई इश्यू नहीं है। एक्चुअल में जब फॉरकास्टिंग की जाती है तो सबसे पहले सेल्स फॉरकास्ट की जाती है, उस सेल्स के बेसिस पे ही देन प्रोडक्शन फॉरकास्ट किए जाते हैं, एक्सपेंसेस फॉरकास्ट किए जाते हैं, मटेरियल का खर्चा क्या होगा वो एस्टिमेट किया जाता है, लेबर कितनी रिक्वायरमेंट होगी वो एस्टिमेट की जाती है। तो कहीं ना कहीं बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो सेल्स पे डिपेंड करते हैं, तो सेल फॉरकास्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अदर एक्टिविटीज होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो सेल्स पे डिपेंड करती है। सेल्स फॉरकास्टिंग इज ए गाइडिंग फैक्टर फॉर ए फर्म बिकॉज इट एनेबल्स द फर्म टू कॉन्सेंट्रेट इट्स एफर्ट टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। जब तक आप ये एस्टिमेट नहीं कर लोगे कि मार्केट में माल बिक कितना सकता है, तब तक कितना माल मुझे बनाना है वो मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे ये पता ही नहीं होगा मार्केट में बिकेगा कितना, तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे 10,000 यूनिट बनानी है कि 1,00,000। लेकिन अगर आपको मार्केट में किसी भी तरीके से एक सेल फॉरकास्टिंग से पता चल गया कि हाँ मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में से एग्जाम्पल 50,000 यूनिट सेल होने की उम्मीद है, तो सिंपल सी बात है आप ज्यादा से ज्यादा या कम से कम एक टारगेट सेट कर लोगे, कम से कम मैं 40,000 बनाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 60,000 बना लूंगा। तो कहीं ना कहीं क्राइटेरिया सेट हो गया कि हाँ 50,000 यूनिट सेल करनी है तो 40,000 से 60,000 के बीच में मैं प्रोडक्शन करने की कोशिश करूंगा एट द राइट टाइम। और इसी से आपको पता चलेगा माल बिकना कब है तो बनाना कब है, एट रीजनेबल प्राइस, किस प्राइस पे माल मार्केट में बिकेगा तो मुझे कितनी कॉस्ट में ये माल बना लेना चाहिए, एंड ऑफ द राइट क्वालिटी, मार्केट को किस तरीके की क्वालिटी चाहिए उसी क्वालिटी का आप माल बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं जब तक आप सेल फॉरकास्टिंग नहीं करोगे आप ये पता नहीं लगा पाओगे कितनी यूनिट बनानी है, कब बनानी है, किस क्वालिटी की बनानी है और किस प्राइस पे मुझे वो बना लेनी चाहिए ताकि मार्केट में मैं उसको बेचकर कुछ प्रॉफिट भी अर्न कर सकूं। सेल्स फॉरकास्टिंग इज द बेसिस ऑफ प्लानिंग। अगर हम ऑपरेशन प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो उस प्लानिंग में पहला स्टेप है मेरा सेल को फॉरकास्ट करना। सेल्स फॉरकास्टिंग इज द बेसिस ऑफ प्लानिंग द वेरियस एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन एक्टिविटीज, प्रोडक्शन कितना करना है, प्राइसिंग पॉलिसी, प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखना है,
पर्सनल पॉलिसी, पर्सनल मतलब वर्कर्स की कितनी जरूरत होगी, एस टू रिक्रूट कितने करने हैं, अगर जरूरत नहीं है तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कितने करने हैं, किन किन का प्रमोशन करने की जरूरत है, किन किन को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, वर्कर्स को क्या वेजेस दी जानी चाहिए, ये सारे के सारे जो एक्टिविटीज है दिस ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन द सेल्स फोरकास्टिंग। तो अगर आप सेल फोरकास्टिंग नहीं करोगे, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कितना माल बनाना है, क्या प्राइस होगा, कितने वर्कर्स की जरूरत है, कितना मटेरियल कंज्यूम करना है, सारा की सारी एक्टिविटीज सेल्स फोरकास्टिंग पे डिपेंड करती है। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन सिंपली हमें ये बताता है कि सेल फोरकास्टिंग की हमारे पास कुछ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मेथड्स है। सेल फोरकास्टिंग में हम प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर सेल करने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट का काम केवल और केवल फोरकास्टिंग नहीं है, बट फोरकास्टिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या करता है, फ्यूचर को एस्टिमेट करने की कोशिश करता है और उसी के अकॉर्डिंगली कुछ प्रोविजंस वगैरह क्रिएट करते हैं। सेल फोरकास्टिंग पे बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है वो डिपेंडेंट है। सेल फोरकास्टिंग जब तक आप नहीं करोगे, आप ये आइडिया नहीं लगा पाओगे कितनी क्वांटिटी मुझे प्रोड्यूस करनी है, कब प्रोड्यूस करनी है, किस प्राइस पे मुझे उसको बेचना है, किस कॉस्ट पे मुझे उसको बनाना है, उस माल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्राइसिंग पॉलिसी, पर्सनल लेबर की कितनी जरूरत होगी, कितने वर्कर्स मुझे नए रिक्रूट करने हैं, किस वर्कर को कहां से कहां ट्रांसफर करना है, किसका प्रमोशन कर दिया जाए, किसको ट्रेनिंग देनी है, उनको वेजेस क्या पे की जानी चाहिए, दीज ऑल एक्टिविटीज आर डिपेंडेंट अपॉन सेल फोरकास्टिंग। तो सेल फोरकास्टिंग इज द prediction of future sales. This is the introduction part of demand forecasting. Heading put karo, study note number 2, heading put karo, study note number 2, operations planning. Operations planning. Part number 1, डिमांड फॉरकास्टिंग, पार्ट नंबर 1 डिमांड फॉरकास्टिंग। हेडिंग पुट करो टॉपिक्स, और ये 5 टॉपिक्स आप कॉपी कर लो सबसे पहले। हेडिंग पुट करो इसके बाद इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग। सबसे पहले ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स आप कॉपी कर लो। इसके बाद नेक्स्ट जो 2 पॉइंट है वो भी आप कॉपी कर लीजिए। इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट आता है फॉरकास्टिंग। जो होती है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली 3 तरीके की हो सकती है। फॉरकास्टिंग अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड जो है वो फॉरकास्टिंग 3 तरीके की हो सकती है। इट मे बी शॉर्ट टर्म, इट मे बी मीडियम टर्म, और इट मे बी लॉन्ग टर्म। तो फॉरकास्टिंग 3 तरीके की हो सकती है, शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग, मीडियम टर्म फॉरकास्टिंग और लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग।
ये जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग जो की जाती है, इसके पर्पज क्या है सर? एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग है, शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग कुछ टाइम पीरियड के लिए की जाती है, लाइक कुछ वीक के लिए, एक वीक, दो वीक के लिए, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीनों तक के लिए अगर आप फॉरकास्टिंग करते हो तो इट इज कवर्ड इन शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग। शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग क्यों की जाती है, पर्पज क्या है? टू एस्टिमेट द इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, कि मुझे अपने पास कितना स्टॉक मेंटेन करना चाहिए, ये जानने के लिए आप शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग कर सकते हो। क्या हर महीने मुझे 5,000 यूनिट तो अपने पास स्टॉक में रखनी चाहिए, दिस इज द फॉरकास्टिंग। सेकेंड पॉइंट, टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फॉर डिस्पैच ऑफ फिनिश्ड गुड्स। माल बनाओगे उसके बाद उसको डिस्पैच करना है तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की मुझे क्या जरूरत होगी इन शॉर्ट टर्म, वो भी मैं शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग में एस्टिमेट कर सकता हूं। इसके अलावा टू डिसाइड वर्कलोड्स फॉर मैन एंड मशीन, कि मैन पे क्या वर्कलोड होगा, मशीनों पे क्या वर्कलोड होगा, मुझे वर्कर जो है, मैनुअल वर्कर जो है, मैन जो है, उनसे कितना काम करवाना है, मशीनों से कितना काम लेना है, वो आप शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग में कवर कर सकते हो। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में आपको टू फाइंड द वर्किंग कैपिटल नीडेड, कितनी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी मुझे अपने बिजनेस को प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए। और फिफ्थ पॉइंट आपका टू फाइंड द रिक्वायर्ड ओवरटाइम, अगर सेल करने के लिए प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो ओवरटाइम करवाना पड़ेगा, तो टू फाइंड द रिक्वायर्ड ओवरटाइम टू मीट द डिलीवरी प्रोमिसेस। अगर आपने ऑर्डर रिसीव किए हुए हैं, डेट से पहले से डिसाइडेड है कि हम इस डेट तक इतना माल आपको डिलीवर कर देंगे, तो उसको बनाने के लिए क्या आपको कोई ओवरटाइम करवाना है? अगर हाँ तो कितना आपको ओवरटाइम करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग करते हैं। तो शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग के 5 पर्पज हो सकते हैं। फर्स्ट इज इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना, दूसरा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को एस्टिमेट करना, तीसरा वर्कलोड ऑफ मैन एंड मशीन को एस्टिमेट करना, चौथा वर्किंग कैपिटल की कितनी जरूरत होगी उसको एस्टिमेट करना, और पांचवा रिक्वायर्ड जो डेट है ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए ओवरटाइम की कितनी जरूरत है उसको एस्टिमेट करना। तो 5 पॉइंट सिंपल माइंड में रखो, इन्वेंट्री को एस्टिमेट करना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को एस्टिमेट करना, वर्कलोड ऑफ मैन एंड मशीन को एस्टिमेट करना, वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करना और ओवरटाइम को एस्टिमेट करना। दीज 5 आर द पर्पज ऑफ शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मीडियम टर्म फॉरकास्टिंग। मीडियम टर्म की मैं बात करूं, 1 साल से ज्यादा के लिए, और अगर आप 3 से 5 साल तक की फॉरकास्टिंग भी करते हो तो दिस इज कवर्ड इन मीडियम टर्म फॉरकास्टिंग। मीडियम टर्म फॉरकास्टिंग की अगर बात करें तो मीडियम टर्म फॉरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन क्यों करती है, व्हाट आर द पर्पस बिहाइंड द मीडियम टर्म फॉरकास्टिंग। पॉइंट नंबर 1, टू डिटरमाइन बजटरी कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस। मेरे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं मैं उनको थोड़ा कंट्रोल करना चाहता हूं, तो उसके लिए बनाऊंगा पहले बजट, और उस बजट के बेसिस पे मैं अपने खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो एक वीक, एक महीने में पॉसिबल नहीं हो पाता, हमें कुछ डेटा तो उसके लिए जरूरत होती है। तो इसके लिए हम मीडियम टर्म फॉरकास्टिंग करते हैं कि फ्यूचर में हम 1-2 साल 3 साल में अपने खर्चों को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, टू डिटरमाइन द डिविडेंड पॉलिसी। नॉर्मली कंपनी साल में एक बार डिविडेंड देती है, तो कहीं ना कहीं मुझे 2-3 सालों का एस्टिमेशन तो चाहिए कि मैं किस साल में कितना डिविडेंड देते हुए चलूंगा। थर्ड पॉइंट, टू फाइंड एंड कंट्रोल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस लाइक बिल्डिंग का मेंटेनेंस हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी का मेंटेनेंस हो सकता है, तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन मीडियम टर्म फॉरकास्टिंग करती है। टू डिटरमाइन शेड्यूल ऑफ ऑपरेशन, कब क्या काम करना है उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन मीडियम टर्म फॉरकास्टिंग कर सकती है। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज टू प्लान फॉर
कैपेसिटी एडजस्टमेंट, अगर आपकी जो माल बनाने की कैपेसिटी है उसको आप कम या ज्यादा करना चाहते हो तो ऑफकोर्स वो एक वीक, एक महीने, दो महीने में पॉसिबल नहीं हो पाता, थोड़ा सा आपको उसके लिए टाइम चाहिए, तो मीडियम टर्म फॉरकास्टिंग में आप अपनी कैपेसिटी में एडजस्टमेंट करते हुए चल सकते हो। तो पांच पॉइंट है जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन मीडियम टर्म फॉरकास्टिंग करती है। बजटरी कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस, कंट्रोल ओवर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, अपनी डिविडेंड पॉलिसी को डिटरमाइन करने के लिए, ऑपरेशन शेड्यूल डिसाइड करने के लिए और कैपेसिटी में एडजस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन मीडियम टर्म फॉरकास्टिंग कर सकती है। तो सर, लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग किस पर्पज के लिए की जाती है? पॉइंट नंबर वन, टू वर्क आउट एक्सपेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट और टू एक्वायर न्यू फैसिलिटी। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हमें कई सालों तक बेनिफिट देते हैं। एक मशीनरी परचेज करता हूं, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक उसकी लाइफ हो सकती है। तो अगर आप कोई भी नई फैसिलिटी, फैसिलिटी मतलब प्लांट मशीनरी, कोई भी नया प्लांट मशीनरी एक्वायर करना चाह रहे हो, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हो डेवलपमेंट के लिए, तो दिस इज कवर्ड इन लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग, क्योंकि हम उसके बेनिफिट लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट करते हुए चलते हैं। सेकेंड पॉइंट, टू डिटरमाइन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम सेल, कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में हम सेल्स से क्या कैश फ्लो डिटरमाइन एस्टिमेट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हैं, उसको डिटरमाइन करना इज ऑल्सो कवर्ड इन लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग। हालांकि ये वाला जो पॉइंट है वो आप शॉर्ट टर्म में भी कवर कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में भी कवर कर सकते हो। अगर आप आने वाले 2-3 महीनों के लिए केवल सेल फॉरकास्टिंग कर रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म में कवर हो जाएगी, लेकिन अगर आपने एक नई मशीन लगाई और आप एस्टिमेट करते हो कि मुझे इससे 10 साल तक रेवेन्यू जनरेट होगा, तो फिर उस सिचुएशन में आप लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग में कवर करके चल रहे हो। थर्ड पॉइंट, टू प्लान फॉर फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि फ्यूचर में मुझे मैन पावर की क्या जरूरत होगी, कितनी जरूरत होगी, टू प्लान फॉर मटेरियल की कितनी जरूरत होगी, एंड टू प्लान फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर ग्रोथ। अगर मुझे ग्रो करना है तो क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए, क्या उसमें खर्चे लगाने चाहिए। तो लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग के पीछे भी 5 ऑब्जेक्टिव है, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट या टू एक्वायर न्यू फैसिलिटीज, सेकेंड कैश फ्लो कितना एस्टिमेट करूं सेल्स से, थर्ड पॉइंट मैन पावर की कितनी जरूरत होगी फ्यूचर में, फोर्थ मटेरियल की कितनी जरूरत होगी फ्यूचर में, फिफ्थ ग्रोथ के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मुझे क्या खर्च करना चाहिए और क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ फॉरकास्टिंग, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, और तीनों के 5 पर्पज है। हेडिंग पुट करो टाइप ऑफ फॉरकास्टिंग, हेडिंग पुट करो टाइप ऑफ फॉरकास्टिंग। पॉइंट नंबर 1, शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग। पॉइंट नंबर 2, मीडियम टर्म फॉरकास्टिंग। एंड पॉइंट नंबर 3, लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग। तो 3 तरीके की फॉरकास्टिंग, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। हेडिंग पुट करो पर्पज ऑफ फॉरकास्टिंग, पर्पज ऑफ फॉरकास्टिंग, और अपने पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। फर्स्ट कॉलम आपका रहेगा शॉर्ट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग, सेकेंड कॉलम रहेगा मीडियम टर्म फॉरकास्टिंग, और थर्ड कॉलम रहेगा लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग। और ये 5 पर्पज तीनों के कॉपी करो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फैक्टर्स दैट अफेक्ट सेल फोरकास्टिंग।
ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जब आप सेल फोरकास्टिंग करते हो तो उस सेल फोरकास्टिंग को ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं। केवल और केवल चार फैक्टर्स यहां पे हमारे सिलेबस में गिवन है। पहला है एनवायरमेंटल चेंजेस। अगर एनवायरमेंट में किसी भी तरीके का कोई चेंज आता है तो उस सिचुएशन में आपकी सेल्स जो है वो अफेक्ट होती है। दूसरा, चेंजेस इन प्रेफरेंस ऑफ द यूजर। अब देखो, यूजर का कोई भरोसा नहीं है आज के टाइम पे। वो मान लो ब्रांड ए यूज कर रहा हो सकता है धीरे धीरे यूजर ब्रांड ए की बजाय ब्रांड बी पे मूव ऑन कर जाए, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रेफरेंस अगर चेंज होगी तो आपकी मार्केट में सेल भी अफेक्ट होगी और सेल फॉरकास्टिंग भी आपकी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। अगर आपकी मोनोपोली है, सिंपल सी बात है, हर कोई आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा। सेल फॉरकास्टिंग आप ज्यादा करोगे, मतलब क्वांटिटी टू बी सोल्ड ज्यादा होगी। लेकिन यही अगर कंपटीशन में प्रोडक्ट जैसे जैसे ज्यादा बढ़ते जाएंगे, आपकी सेल्स क्या होती जाएगी, अफेक्ट होती जाएगी, फॉरकास्टिंग भी अफेक्ट होगी। एंड ऑफ कोर्स डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम ज्यादा होगी तो सेल फॉरकास्ट भी ज्यादा करोगे आप। लेकिन अगर कंज्यूमर की इनकम कम है, उसके पास पैसा ही नहीं है माल परचेज करने के लिए, तो सिंपल सी बात है सेल फॉरकास्ट भी आप कम करके चलोगे। तो दीज आर द फोर फैक्टर्स जिसकी वजह से सेल्स को फोरकास्ट करते वक्त इन चार पॉइंट को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एनवायरमेंट में क्या चेंजेस हो सकते हैं, चेंज इन द प्रेफरेंस ऑफ द यूजर, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हेडिंग पुट करो फैक्टर्स दैट अफेक्ट सेल्स फोरकास्टिंग। फैक्टर्स दैट अफेक्ट सेल्स फोरकास्टिंग, और ये चार पॉइंट आप कॉपी कर लीजिए। ये था सेल्स फोरकास्टिंग को फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है, वो फैक्टर्स बताओ दैट अफेक्ट प्रोडक्शन फोरकास्टिंग। प्रोडक्शन फोरकास्टिंग को अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं। ऑफ कोर्स प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन मार्केट। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, डिमांड फ्रॉम मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता है कि प्रोडक्ट की डिमांड होगी 100,000 यूनिट की, तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन होगा। वो कहते हैं 20,000 यूनिट की डिमांड होगी, तो प्रोडक्शन भी 20,000 के अकॉर्डिंगली होगा। तो पहला फैक्टर जो कि प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, दैट इज डिमांड। दूसरा, रेट ऑफ लेबर अब्सेंटिज्म। अगर लेबर अब्सेंट ज्यादा रहती है, प्रोडक्शन कम होगा। कम अब्सेंट रहती है, प्रोडक्शन हम ज्यादा कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। अगर आपके पास मटेरियल की सफिशियंट अवेलेबिलिटी है तो हम प्रोडक्शन पूरा कर पाएंगे। लेकिन अगर मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है तो प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा या प्रोडक्शन में नहीं कर पाऊंगा। अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ मशीन। अगर मेरे पास जो मशीनें हैं उनकी कैपेसिटी ही 10,000 यूनिट बनाने की है, तो उससे ज्यादा तो प्रोडक्शन कर ही नहीं कर पाऊंगा। मेंटेनेंस ऑफ शेड्यूल्स। अगर आपके पास दो मशीनें हैं, हर एक वीक से उन मशीनों का मेंटेनेंस किया जाता है और मेंटेनेंस में 2 दिन लग जाते हैं, तो सिंपल सी बात है हर वीक में 2 दिन तो आप एक मशीन पे प्रोडक्शन ही नहीं कर पाओगे, प्रोडक्शन कम होगा। तो मेंटेनेंस का जो शेड्यूल है उस पे भी डिपेंड करता है आप कितना प्रोडक्शन कर पाओगे। और ऑफ कोर्स डिलीवरी डेट शेड्यूल। डिलीवरी डेट के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन करती है प्रोडक्शन। अगर मुझे शॉर्ट टर्म में डिलीवरी देनी है तो शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन करूंगा, लॉन्ग टर्म में डिलीवरी देनी है लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन करूंगा। तो कहीं ना कहीं डिलीवरी डेट के जो शेड्यूल्स होते हैं उस पे भी डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन फॉरकास्टिंग को 6 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। पहला डिमांड, दूसरा लेबर का अब्सेंटिज्म कितना है, तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, चौथा अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ मशीन, पांचवा मेंटेनेंस ऑफ शेड्यूल एंड 6th इज डिलीवरी डेट शेड्यूल। हेडिंग पुट करो फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्रोडक्शन फॉरकास्टिंग।
फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्रोडक्शन फॉरकास्टिंग, और ये जो छह पॉइंट है, छह फैक्टर्स हैं, इनको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, फॉरकास्टिंग जब की जाती है तो फॉरकास्टिंग करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो की जाती है, व्हाट आर द स्टेप्स इन द फॉरकास्टिंग प्रोसेस। तो स्टेप्स इन द फॉरकास्टिंग प्रोसेस की बात करें, छह स्टेप फॉलो किए जाते हैं। पहले स्टेप में हम डिटरमाइन करते हैं पर्पज ऑफ फॉरकास्टिंग, कि आप फॉरकास्टिंग क्यों कर रहे हो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, उसके जो पर्पज आपने देखे पांच पांच। अब सबसे पहले जब आप ये डिसाइड करोगे फॉरकास्टिंग का पर्पज क्या है, तो यू हैव टू डिसाइड शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग करनी है, मीडियम टर्म करनी है कि लॉन्ग टर्म करनी है। स्टेप टू, एस्टैब्लिश ए टाइम होरिजन, 3 महीने के लिए करनी है, 6 महीने के लिए करनी है, 12 महीने, 5 साल, 10 साल, कितने टाइम पीरियड के लिए फॉरकास्टिंग करनी है, दैट विल डिपेंड अपॉन पर्पज। थर्ड, सिलेक्ट ए फॉरकास्टिंग टेक्निक, अभी ये टॉपिक आना बाकी है, हम फॉरकास्टिंग की कुछ मेथड्स देखेंगे, टेक्निक देखेंगे, तो उनमें से एक मेथड, एक टेक्निक को सिलेक्ट करना कि फॉरकास्टिंग आप कौन सी मेथड के अकॉर्डिंगली करोगे। स्टेप नंबर फोर, गैदर एंड एनालाइज डेटा, जब टेक्निक डिसाइड हो जाएगी तो उस टेक्निक के बेसिस पे फॉरकास्टिंग करने के लिए आपको जिस जिस डेटा की जरूरत होगी वो डेटा आपको इकट्ठा करना है और उसको एनालाइज करना पड़ेगा। इसके बाद यू हैव टू प्रिपेयर द फोरकास्ट, बना के तैयार कर लोगे और बाद में उसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि जो हमने फोरकास्टिंग की थी वो कितनी सही जा रही है, क्या उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है या फिर नहीं। तो व्हाट आर द स्टेप्स इन द फोरकास्टिंग प्रोसेस, देयर आर 6 steps इन द फॉरकास्टिंग प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप पर्पज, फॉरकास्टिंग क्यों कर रहे हो। दूसरा टाइम होरिजन, कितने टाइम पीरियड के लिए आप फॉरकास्टिंग कर रहे हो। तीसरा, फॉरकास्टिंग के लिए कौन सा मेथड, कौन सा टेक्निक आप अडॉप्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंगली डेटा को गैदर करना और उसको एनालाइज करना, देन फॉरकास्टिंग कर लेना और फॉरकास्टिंग को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना। दीज आर द 6 steps। हेडिंग पुट करो स्टेप्स इन द फॉरकास्टिंग प्रोसेस, स्टेप्स इन द फॉरकास्टिंग प्रोसेस। चाहो तो इसी तरीके से सीक्वेंस मेंटेन कर सकते हो, चाहो तो 1 2 3 4 5 6 ऊपर से आप पॉइंट कॉपी कर सकते हो। इसके बाद जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट या लेंथी कॉन्सेप्ट है वो है फॉरकास्टिंग मेथड्स। देखो हमारे सिलेबस में टोटेलिटी में 7 methods ऑफ फॉरकास्टिंग गिवन है। फॉरकास्टिंग मेथड्स के अगर केवल और केवल पहले नाम की बात करूं, पहला मेथड होगा सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन और यूजर्स एक्सपेक्टेशन मेथड। इस मेथड में करवा लिया जाता है मार्केट सर्वे, बायर से घर घर जाकर पूछा जाता है कि क्या आप हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, बायर की क्या इंटेंशन है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, यूजर जो है, बायर जो है, उसकी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे हम अपनी सेल को फॉरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। अब हर एक घर में जाके पूछना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो कंपनीज क्या करवाती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करवाती है, सैंपल बेसिस पे सर्वे करवा लेती है और उसके बेसिस पे अपनी सेल, दैट इज डिमांड, फॉरकास्ट कर लेती है। तो पहला मेथड होगा
सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन और यूजर्स एक्सपेक्टेशन मेथड। दूसरा मेथड है कलेक्टिव ओपिनियन और सेल्सफोर्स कंपोजिट मेथड। लोगों की ओपिनियन पूछी जाती है, लाइक ओपिनियन पोल वगैरह करवा लेना, न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह में एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ऐप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, इंटरनेट वगैरह के थ्रू ओपिनियन ले लेना, उसके अकॉर्डिंगली उसका एक टोटल कर लेना और उसके बाद एक सेल्स को एस्टिमेट कर लेना। मतलब अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंगली ओपिनियन पूछ लो लोगों की और उसके बेसिस पे उन सारी ओपिनियन को मिक्स करके कंबाइंड करके सेल को फोरकास्ट करने की कोशिश करना। तीसरा आता है ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट और एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड। कुछ ग्रुप्स बनाकर उन एग्जीक्यूटिव से पूछा जाता है कि आपके अकॉर्डिंगली क्या डिमांड होगी और वो जो बोलेंगे उसके हिसाब से एक डिमांड को फोरकास्ट करना। एक्सपर्ट्स जो है उस इंडस्ट्री के, उस फील्ड के सेल फोरकास्टिंग के, उनसे एक ओपिनियन लेना। मार्केट टेस्ट आप करके देख सकते हो, मार्केट में अपना माल कुछ दिनों के लिए बेस कर देखो, मार्केट में क्या डिमांड है उसके हिसाब से फ्यूचर की डिमांड को एस्टिमेट करना। इसके अलावा ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। ट्रेंड प्रोजेक्शन में हम कुछ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो मेथड देखेंगे, एक होगा डायरेक्ट मेथड और एक होगा इनडायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, हम पास्ट जो डेटा होता है उसके बेसिस पे, उसके ट्रेंड के बेसिस पे फ्यूचर को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। और फाइनली होगा एक एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, पास्ट का एक एवरेज निकाल के उसी को फ्यूचर की डिमांड मान लेना। तो दीज आर द 7 फोरकास्टिंग मेथड्स फॉर द पर्पस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। पहला, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन और यूजर एक्सपेक्टेशन मेथड। दूसरा, कलेक्टिव ओपिनियन और सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड। तीसरा, ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड। फोर्थ, एक्सपर्ट ओपिनियन। फिफ्थ, मार्केट टेस्ट। सिक्स्थ, ट्रेंड प्रोजेक्शन। और 7, मूविंग एवरेज मेथड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, क्योंकि इसपे बनते हैं आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसकी एग्जाम में वेटेज 8 से 10 नंबर तक की हो सकती है। एक हेडिंग पुट करो फॉरकास्टिंग मेथड और पहले केवल और केवल ये जो 7 नेम्स है ये कॉपी कर लीजिए। अब हम एक एक करके मेथड डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला मेथड है हमारा सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। नाम से ही क्लियर है, सर्वे करवाओ और बायर की इंटेंशन का पता करो कि क्या वो हमारा माल परचेज करना चाहता है या नहीं करना चाहता। और द यूजर्स एक्सपेक्टेशन, बायर कह दो यूजर कह दो एक ही बात है, जो हमारे प्रोडक्ट को यूज करना चाहता है क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी हमारे प्रोडक्ट से। तो सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन और द यूजर्स एक्सपेक्टेशन मेथड। अंडर दिस सिस्टम ऑफ सेल्स फॉरकास्टिंग, एक्चुअल यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसर्न आर कॉन्टेक्टेड डायरेक्टली। एक्चुअल यूजर्स जो होते हैं उनको किया जाता है कॉन्टेक्ट एंड दे आर आस्क्ड अबाउट दियर इंटेंशन टू बाई द कंपनी प्रोडक्ट। और उनसे पूछा जाता है कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो क्या फ्यूचर में भी आप हमारा प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो। इन एन एक्सपेक्टेड गिवन फ्यूचर यूजुअली ए ईयर। और अगर आप यूजुअली ए ईयर की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप बात कर रहे हो शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग की। तो इस मेथड में क्या किया जा रहा है, एक्चुअल जो यूजर है उनको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया जाता है, पूछा जाता है कि पास्ट में आपने हमारा प्रोडक्ट यूज किया, क्या आप फ्यूचर में भी हमारा प्रोडक्ट यूज करोगे, परचेज करोगे उसको, उसके हिसाब से
फ्यूचर की डिमांड एस्टिमेट करने की कोशिश की जाती है। सेकेंड पॉइंट, टोटल सेल्स फोरकास्ट ऑफ द प्रोडक्ट देन एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस एंड विलिंगनेस ऑफ वेरियस कस्टमर। हर एक कस्टमर से इस तरीके से पूछा जाएगा और वेरियस कस्टमर कुछ हां कहेंगे कुछ ना कहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी सेल को फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज मोस्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ सेल फोरकास्टिंग। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट है। क्यों डायरेक्ट है? सीधा सीधा कस्टमर से हम ये जानना चाह रहे हैं आप माल परचेज करोगे या फिर नहीं करोगे। इस मेथड को फॉलो करने के कुछ फायदे हैं। वो फायदे क्या है सर? दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड आर, चार एडवांटेजेस यहां पे बताए गए हैं। पॉइंट नंबर वन, सेल्स फोरकास्ट अंडर दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और कलेक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल यूजर। और सिंपल सी बात है, एक्चुअल यूजर से मेरे पास डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, एक्यूरेसी के चांसेस ज्यादा है। हुज बाइंग एक्शंस विल रियली डिसाइड द फ्यूचर डिमांड, सो द एस्टिमेट्स आर करेक्ट। डायरेक्ट कंज्यूमर की इंटेंशन आप पता करके आ रहे हो और उसके बेसिस पे सेल फोरकास्टिंग कर रहे हो, एक्यूरेसी बहुत हाई होगी, करेक्ट होंगे ये एस्टिमेट्स। सेकेंड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स ए फील ऑफ द मार्केट एंड ऑफ द थिंकिंग बिहाइंड द बाइंग इंटेंशन ऑफ द एक्चुअल यूजेस, कि जो एक्चुअल यूजेस हो रहा है, क्यों यूज कर रहे हैं, वो इंटेंशन आपको पता होगी क्योंकि आपने कस्टमर से पूछा होगा कि आप परचेज करोगे और क्यों परचेज करोगे। इट मे हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। कुछ कस्टमर ऐसे भी होंगे जो आपको बोलेंगे कि हम ये प्रोडक्ट नहीं परचेज करेंगे क्योंकि हमने जब इसको यूज किया ये कुछ कमियां पाई गई। तो आप उनकी कमियों को दूर कर सकते हो और एक नया प्रोडक्ट कहीं ना कहीं उनकी एडवाइस के बेसिस पे डेवलप कर सकते हो, जो कि मार्केट में शायद आपके लिए ज्यादा डिमांड क्रिएट कर सके। थर्ड पॉइंट, दिस मेथड इज मोर एप्रोप्रिएट वेयर ए न्यू प्रोडक्ट इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि नए प्रोडक्ट का मार्केट में पहले से कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं होता। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आपको जो अपने पोटेंशियल कस्टमर लगते हैं आप उनके पास जाकर पूछ सकते हो कि क्या आप इस तरीके का प्रोडक्ट यूज करना पसंद करेंगे और उसके बेसिस पे अपनी सेल फॉरकास्टिंग कर सकते हो। फॉर विच नो प्रीवियस रिकॉर्ड्स कैन बी मेड अवेलेबल, क्योंकि नए प्रोडक्ट का मार्केट में कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं होगा। और फोर्थ एडवांटेजेस होगा, ऑफकोर्स जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप यूजुअली ए ईयर की बात कर रहे हो तो इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। तो चार एडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेजेस है, जो आप इस तरीके से एस्टिमेशन करोगे फोरकास्टिंग करोगे वो करेक्ट होगी क्योंकि आपने डायरेक्टली कंज्यूमर से पूछा है। सेकेंड पॉइंट, आप कंज्यूमर की एडवाइस के बेसिस पे नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, ये मेथड नॉर्मली तब यूज किया जाता है या सूटेबल है जब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो। और चौथा, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग का एक सूटेबल एप्रोप्रिएट प्लान है। तो फर्स्ट मेथड सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन और द यूजर एक्सपेक्टेशन मेथड। सिंपल आप कह सकते हो, सर जो हमारे एग्जिस्टिंग एक्चुअल यूजर्स होते हैं हम उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, आपने हमारा प्रोडक्ट यूज किया, क्या सेटिस्फेक्शन लेवल है और क्या आप इसको फ्यूचर में यूज करोगे दोबारा, उसी के बेसिस पे एक सेल फोरकास्टिंग कर ली जाती है। जब आपने डायरेक्टली कस्टमर से पूछा उसके बेसिस पे एस्टिमेशन किया तो एस्टिमेशन ज्यादा करेक्ट हो, उनकी शिकायतों के बेसिस पे आप एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो। अगर कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है प्रोडक्ट का, कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, तो आप अपने पोटेंशियल कस्टमर से जाकर ऐसा पूछ सकते हो। और इट इज ऑफकोर्स सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। हेडिंग पुट करो, मेथड नंबर वन सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन और द यूजर्स एक्सपेक्टेशन मेथड। और आपके सामने ये जो स्लाइड है वो आप कॉपी कर लीजिए।
इसके बाद सेकंड मेथड आता है हमारा, दैट इज कलेक्टिव ओपिनियन और सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है, अंडर दिस मेथड व्यूज ऑफ सेल्समैन, ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इन सब की ओपिनियन ली जाती है और इन सब की ओपिनियन को कलेक्ट करके फिर एक टोटल सेल्स एस्टिमेट करने की कोशिश की जाती है, आर सिक्योर्ड फॉर द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द मार्केट। सेल्समैन जो है बीइंग क्लोज टू एक्चुअल यूजर, क्योंकि सेल्समैन माल बेचता है जो कि कस्टमर के ज्यादा नजदीक होता है, आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट एक्सपेक्टेड सेल्स इन दियर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज, दैट इज एरिया एंड सेक्शन। लाइक अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को चार एरियाज में सेल आउट करती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो वो क्या करेगी, वहां के जो सेल्समैन होंगे उनसे एक एस्टिमेटेड सेल्स पूछने के लिए बोलेगी या एस्टिमेट करने के लिए बोलेगी, और वो जब सारा डेटा उनके सामने इकट्ठा हो जाएगा उसके बेसिस पे एक टोटल सेल्स की फॉरकास्टिंग की जाएगी। द एस्टिमेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्समैन आर देन कंसोलिडेटेड। पहले इंडिविजुअल सेल्समैन से डेटा कलेक्ट कर लिया जाएगा और उसको फिर कंसोलिडेट कर लिया जाएगा, इकट्ठा कर लिया जाएगा टू फाइंड आउट द टोटल एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ द कमिंग सेशन। दीज एस्टिमेट्स आर देन फर्दर एग्जामिन्ड बाय द सक्सेसिव एग्जीक्यूटिव लेवल। देन इस एस्टिमेट को फिर से एग्जामिन किया जाएगा जो भी सक्सेसिव एग्जीक्यूटिव लेवल के बंदे होंगे, इन द लाइट ऑफ वेरियस फैक्टर्स लाइक प्रपोज्ड चेंजेस इन द प्रोडक्ट डिजाइन, कि हम प्रोडक्ट की डिजाइन में चेंज करना चाह रहे हैं, क्या इससे सेल्स पे कोई इफेक्ट आएगा, एडवर्टाइजिंग बढ़ाएं तो क्या माल ज्यादा बिकेगा, सेलिंग प्राइस बढ़ाएं तो क्या माल कम बिकेगा, या सेलिंग प्राइस कम करें तो क्या माल ज्यादा बिकेगा, कॉम्पिटिशन में अगर कोई नया बंदा आता है तो क्या हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में कोई फर्क आएगा। इन पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद और सेल्स जो एस्टिमेट करी थी इंडिविजुअल सेल्समैन ने उसको कंसोलिडेट करने के बाद एक टोटल सेल्स एस्टिमेट कर ली जाती है। दिस इज द डिमांड फॉरकास्टिंग बिफोर दे आर फाइनली एमर्ज फॉर फॉरकास्टिंग। तो कलेक्टिव ओपिनियन और सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड में नॉर्मली क्या होता है, सेल्समैन, ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इनकी ओपिनियंस ली जाती है। जिसमें ओपिनियंस की मैं बात करूं तो सेल्समैन जो होता है वो एक्चुअल यूजर के ज्यादा नजदीक है क्योंकि वो यूजर को माल बेचता है। तो इंडिविजुअल सेल्समैन को बोला जाता है आप अपने अपने एरियाज में सेल्स को एस्टिमेट करो। देन वो सारा का सारा डेटा इकट्ठा करके कंसोलिडेट कर लिया जाता है। देन कुछ उसमें एडजस्टमेंट की जाती है कि प्रोडक्ट की डिजाइन में चेंज करने की वजह से कोई प्लस माइनस हो सेल्स में, एडवर्टाइजिंग की वजह से प्लस माइनस, सेलिंग प्राइस कम या ज्यादा होने की वजह से प्लस माइनस, कॉम्पिटिशन की वजह से उसमें कोई प्लस माइनस करना है तो वो प्लस माइनस करके फ्यूचर की डिमांड एस्टिमेट कर ली जाती है। हेडिंग पुट करो मेथड नंबर टू, कलेक्टिव ओपिनियन और सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड। सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड इसका नाम इसलिए है कि सेल्स फोर्स का मतलब जो सेल्समैन होते हैं उनके डेटा को कंपोजिट, दैट इज कंसोलिडेट करके सेल्स एस्टिमेट की जाती है। ये चार पॉइंट्स जो है आपके सामने, इनको कॉपी कर लीजिए।
इसके बाद थर्ड मेथड आता है हमारा ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट और एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड। ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट कह दो, एग्जीक्यूटिव जजमेंट कह दो, एक ही बात है। इसमें क्या होता है, दिस इज ए प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, एवरेजिंग और इवेल्युएटिंग द ओपिनियंस एंड व्यूज ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स। जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनकी ओपिनियंस ली जाती है, उन ओपिनियंस को कंबाइंड करके उनका एवरेज निकाल के उसके बेसिस पे सेल को फॉरकास्ट करने की कोशिश की जाती है। ओपिनियंस आर शाउट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। लाइक मार्केटिंग वाले बंदे से पूछा जाएगा क्या सेल हो सकती है, फाइनेंस वाले बंदे से पूछा जाएगा कि आपने फाइनेंसिंग करी है उसके बेसिस पे क्या सेल हो सकती है, प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा जाएगा क्या सेल हो सकती है, और उनको कंबाइंड और इवेल्युएट करके फॉरकास्टिंग आर मेड। हेडिंग पुट करो मेथड नंबर 3 ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट और एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड, और सिंपल ये जो दो लाइंस है इनको कॉपी कर लीजिए। तो अभी तक ये जो तीन मेथड आपने देखे हैं, ये तीनों के तीनों मेथड थियोरिटिकल है, थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें मुझे नहीं लगता कि थर्ड मेथड पूछे जाने लायक है या फिर जो आपने अभी अभी सेकंड मेथड पढ़ा था वो पूछे जाने लायक है। हालांकि जो फर्स्ट आपने मेथड पढ़ा था उसमें एडवांटेजेस ऑफ मेथड पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में, या फिर हो सकता है किसी पे भी शॉर्ट नोट पूछ ले, या फिर एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद फोर्थ मेथड आता है एक्सपर्ट ओपिनियन। जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनसे ओपिनियन ली जा सकती है कि ये हमारा पास था तो इस बेसिस पे हमारी सेल फॉरकास्टिंग क्या हो सकती है। अंडर दिस मेथड द ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट ओपिनियन फ्रॉम स्पेशलिस्ट इन द फील्ड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बस ये जो पर्सन है ये ऑर्गेनाइजेशन के नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन के इंप्लॉइज नहीं है, एक्सपर्ट्स हैं इन फील्ड्स में, सेल फॉरकास्टिंग के फील्ड में, उनसे ओपिनियन ली जाती है। ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स गिवन इन द न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स फॉर द ट्रेड, होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, फॉर कंपनीज प्रोडक्ट्स, एजेंसीज और प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स आर टेकन। जो भी एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने कंपनी के प्रोडक्ट, इनकी एजेंसीज इनके लिए और इनका जो भी प्रोडक्ट वगैरह है, ट्रेडिंग, होलसेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन है इनके, इनके बारे में न्यूज़पेपर या जर्नल्स में ओपिनियन दे देते। सिंपल सी बात है, मैं एक एक्सपर्ट के पास जाता हूं और मैं कहता हूं हमारा जो प्रोडक्ट है इसके बारे में आप कुछ ओपिनियंस दो जो कि न्यूज़पेपर, जर्नल्स वगैरह में प्रिंट करवा दी जाएगी। By analyzing these opinions and views of expert, sale forecasting are done. और उन्हीं opinion और views के basis पे हम अपनी sales को forecast करने की कोशिश करते हैं। तो simple fourth method कहता है expert की opinion के basis पे आप sale forecasting कर सकते हो। Heading put करो method number 4 expert's opinion। और ये तीन points जो है आपके सामने इनको आप copy कर लीजिए। इसके बाद फिफ्थ मेथड आता है हमारा मार्केट टेस्ट मेथड। अंडर दिस मेथड सेलर क्या करता है, एक्चुअल में सेल करता है अपने प्रोडक्ट को इन ए पार्ट ऑफ द मार्केट। मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करता हूं। अब मैं जो सेल कर रहा हूं ये केवल टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस मार्केट में कितना मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, और उस टेस्टिंग के बेसिस पे फिर मैं फ्यूचर में अपनी
टोटल डिमांड एस्टिमेट करने की कोशिश करते हो। तो अंडर दिस मेथड सेलर सेल से हिज प्रोडक्ट इन ए पार्ट ऑफ द मार्केट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए बेचूंगा, एंड मेक्स द असेसमेंट ऑफ सेल्स फॉर द फुल मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ टेस्ट सी। सिंपल सी बात है, मैं एक ऐसे मार्केट में जहां पे पॉपुलेशन 10,000 की है उसमें मैं अपने माल को बेचकर देखता हूं, देखा और उसके बेसिस पे मैंने एस्टिमेट किया कि हाँ टोटल पॉपुलेशन अगर 5,00,000 की है इस सिटी की, तो अगर 10,000 में से इतने लोगों ने परचेज किया तो 1,00,000 लोग मेरा इतना माल परचेज कर लेंगे, दैट विल बी द सेल फोरकास्टिंग। दिस मेथड इज क्वाइट एप्रोप्रिएट कब, व्हेन द प्रोडक्ट इज क्वाइट न्यू इन द मार्केट और गुड एस्टिमेटर्स आर नॉट अवेलेबल और वेयर बायर्स डू नॉट प्रिपेयर दियर परचेज प्लान। तो एक तरीके से वही है कि जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो हमें नहीं पता कि हमारा प्रोडक्ट कितना बिक पाएगा, तो आप टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सैंपल पॉइंट ऑफ व्यू से एक एरिया में माल बेचकर देखो और जो उस एरिया में मार्केट में डिमांड होती है उसके बेसिस पे फुल मार्केट में आप कितना प्रोडक्ट बेच पाओगे वो आप एस्टिमेट करते हुए चल सकते हो। दिस इज द फिफ्थ मेथड, मार्केट टेस्ट मेथड। हेडिंग पुट करो मेथड नंबर 5, मार्केट टेस्ट मेथड, और ये दो पॉइंट जो है ये आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो दो मेथड हमारे बच गए, एक है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड जो कि जैसे कि मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक है मूविंग एवरेज मेथड। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड पे हमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने हैं, तो बेटर ये है आज की जो क्लास है वो हम यहीं पे फिनिश करें ताकि नेक्स्ट क्लास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड उसको हम फ्रेश माइंड से अंडरस्टैंड कर सके। तो आज का हमारा जो डिस्कशन था वो था स्टडी नोट नंबर 2, ऑपरेशंस प्लानिंग। ऑपरेशंस प्लानिंग का फर्स्ट पार्ट हम यहां पे देख रहे हैं, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग। सर डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, सिंपल कहूं तो सेल को फोरकास्ट करना फॉर द फ्यूचर पीरियड, दिस इज द डिमांड फोरकास्टिंग बाय यूजिंग सम सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मेथड्स जो कि हम अब ये देख ही रहे थे। 5 मेथड हमने देखे, 2 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टाइप ऑफ फोरकास्टिंग की बात करूं, 3 तरीके की फोरकास्टिंग हो सकती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग की जाती है इन्वेंट्री को एस्टिमेट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए, वर्कलोड ऑफ मशीन और मैन की एस्टिमेट करने के लिए, वर्किंग कैपिटल की कितनी जरूरत होगी उसको एस्टिमेट करने के लिए, और टू फाइंड द ओवर टाइम कितनी जरूरत होगी उसको एस्टिमेट करने के लिए। मीडियम टर्म फोरकास्टिंग की जाती है बजटरी कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, डिविडेंड पॉलिसी को डिटरमाइन करने के लिए, ऑपरेशन शेड्यूल डिसाइड करने के लिए और अपनी कैपेसिटी में एडजस्टमेंट करने के लिए। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग की जाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करने के लिए, कैश फ्लो कितना होगा सेल्स से उसको एस्टिमेट करने के लिए, मटेरियल की कितनी जरूरत होगी, मैन पावर की कितनी जरूरत होगी उसको एस्टिमेट करने के लिए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्या खर्च किया जाना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ इसको एस्टिमेट करने के लिए। इसके बाद हमने देखा सेल फोरकास्टिंग को अफेक्ट करने के 4 पॉइंट है, एनवायरमेंट में चेंज होना, यूजर की प्रेफरेंस में कोई चेंज होना, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स का मार्केट में आना, या फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इन 4 पॉइंट पे डिपेंड करती है सेल फोरकास्टिंग, जबकि प्रोडक्शन फोरकास्टिंग 6 फैक्टर पे डिपेंड करती है, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, लेबर का अब्सेंटिज्म क्या है, मटेरियल की अवेलेबिलिटी, मशीन की अवेलेबिलिटी, मशीन का जो मेंटेनेंस है उसका शेड्यूल, डिलीवरी डेट जो है उनका शेड्यूल। इन 6 टॉपिक के पे 6 पॉइंट पे डिपेंड करता है प्रोडक्शन फोरकास्टिंग। इसके बाद हमने देखा कि फोरकास्टिंग में 6 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फोरकास्टिंग क्यों की जा रही है, व्हाट इज द पर्पस।
टाइम ओरिजन क्या है, कितने टाइम पीरियड के लिए आप फोरकास्टिंग कर रहे हो, कौन सा मेथड अडॉप्ट करोगे फोरकास्टिंग के लिए, उसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसको एनालाइज करना, देन फोरकास्टिंग करना और उस फोरकास्टिंग को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना। टोटेलिटी में फोरकास्टिंग करने की 7 मेथड है, जिसमें से हमने फर्स्ट मेथड देखी सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन और द यूजर एक्सपेक्टेशन मेथड, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली जो एक्चुअल यूजर होते हैं उनको कॉन्टेक्ट करती है और उसके बेसिस पे अपनी सेल फोरकास्ट करने की कोशिश करती है। फायदे क्या है इस मेथड के, फायदे यह है कि जब आप डायरेक्टली कंज्यूमर से मिलकर सेल एस्टिमेट कर रहे हो तो एस्टिमेशन ज्यादा करेक्ट होते हैं। अब जब आप डायरेक्टली कंज्यूमर से मिलोगे, हो सकता है वो कुछ शिकायतें करे, उन शिकायतों के बेसिस पे आप एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो। अगर पहली बार आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो जिसका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, तो आप पोटेंशियल कस्टमर से मिलकर अपनी सेल्स एस्टिमेट कर सकते हो और शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के लिए ये मेथड नॉर्मली यूज किया जा सकता है। सेकेंड मेथड था कलेक्टिव ओपिनियन और सेल्स फॉर कंपोजिट मेथड। कलेक्टिव ओपिनियन किसकी, सेल्समैन, ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर की। होता क्या है, एरिया वाइज सेल्समैन को बोल दिया जाता है आप अपने अपने एरिया में सेल एस्टिमेट करो। जब सारे सेल्समैन से डेटा हो जाएगा हमारे पास इकट्ठा, तो हम उसको कंसोलिडेट कर लेंगे और उसमें कोई भी प्लस माइनस करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन चेंजेस, सेलिंग प्राइस में चेंजेस, एडवर्टीजमेंट की पॉलिसी में कोई चेंजेस, कॉम्पिटिशन वगैरह की वजह से कुछ भी प्लस माइनस करना है, वो करके हम अपनी सेल्स को एस्टिमेट करते हैं। थर्ड मेथड था आपका ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट और एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड, जिसमें टॉप मैनेजमेंट के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनसे ओपिनियन लेकर सेल्स एस्टिमेट करने की कोशिश की जाती है। फोर्थ पॉइंट में जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, उनसे ओपिनियन लेकर फिर अपनी सेल को एस्टिमेट किया जाता है। और फिफ्थ मेथड मार्केट टेस्टिंग में, एक मार्केट में टेस्ट किया जाता है एक छोटे एरिया में कि इतनी पॉपुलेशन को अगर मैं माल बेचता हूं तो इसमें से कितने लोग माल मेरा परचेज करते हैं, तो उसी के बेसिस पे बाद में फुल मार्केट में कितनी सेल होगी उसका एस्टिमेशन किया जाता है। तो इतने जो टॉपिक है वो आज हमने यहां पे देख लिए। इस चैप्टर में, इस पार्ट में केवल दो टॉपिक रहते हैं और वो है दो मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड एंड मूविंग एवरेज मेथड, जिसमें से मूविंग एवरेज जो है वो थ्योरिटिकल है और ट्रेंड प्रोजेक्शन जो है वो प्रैक्टिकल मेथड है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड स्टार्ट करेंगे, तब तक आप ये जो थ्योरिटिकल पॉइंट हमने आज आज पढ़े वो आप रिवाइज करके आओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।